हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरसू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस। इसी के साथ आज का ये सेशन, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, हाल फिलहाल काफ़ी न्यूज़ में है, चाइना से एसोसिएटेड है। एक स्टार्टअप है चाइना के अंदर एंड दे हैव क्लेम टू हैव डेवलप्ड, दे हैव बेसिकली डेवलप्ड अ वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग, मैं बोलूंगी, न्यूक्लियर बैटरी। और वो न्यूक्लियर बैटरी जो कि लास्ट कर सकती है 50 इयर्स विदाउट चार्जिंग। तो अगर अगर आप सोचो इस चीज का, एक ऐसी बैटरी जो 50 इयर्स निकाल सकती है विदाउट चार्जिंग, दैट कैन लास्ट फॉर लॉन्ग, तो इसके अगर इसको इसका जब कमर्शियल यूज हो तो कितना बड़ा एक रेवोल्यूशनरी, मैं बोलूंगी, एक स्टेप रहेगा ये अपने आप में। तो आप ये देख सकते हो इसका साइज और इसकी जितनी भी सारी बातें हैं वो हम सारी इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन, क्योंकि अपने आप में बहुत ही, येस आई वुड से कि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। एक ऐसी बैटरी दैट इज कैपेबल ऑफ पावरिंग स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स, अगर आप लगाओ कि बिना चार्जिंग के, लाइक कोई ऐसा, आप खुद सोचो ना, अगर आप एक दिन के लिए भी फोन चार्ज करते हो तो सुबह चार्ज किया था, शाम को खत्म हो गया, है ना। सो बेटा वॉल्ट जो है वो चाइनीज स्टार्टअप है, उसका नाम आप पहले तो इस चाइनीज स्टार्टअप का नाम ध्यान में रखोगे, जिन्होंने ये डेवलप करा है एक रेवोल्यूशनरी बैटरी दैट इज कैपेबल ऑफ पावरिंग स्मार्टफोन्स फॉर इम्प्रेसिव 50 इयर्स विदाउट रिक्वायरिंग रीचार्जिंग, राइट। तो यहां पर वो जो साइज है दैट इज वेरी मिनिएचर, इट इज, आप बोलो तो वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनिएचराइज्ड एटॉमिक एनर्जी सिस्टम। इसके अंदर जो न्यूक्लियर बैटरी है, ये न्यूक्लियर बैटरी, ये यूटिलाइज करती है 63 न्यूक्लियर आइसोटॉप्स को जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। यहां पर आपको ये लेयर्स दिख रही होंगी, है ना। तो आप इस पिक्चर के थ्रू देखिए, ये दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स मतलब दो डायमंड सेमीकंडक्टर कनेक्टर्स, कन्वर्टर्स, उसके बीच में एक पतली सी थिन शीट आपको दिख रही होगी जो कि है इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर आइसोटॉप की, दैट इज ऑफ निकल 63, राइट, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये पूरा सिनेरियो है जिसमें बेटा वॉल्ट एक स्टार्टअप है चाइना के अंदर एंड दे हैव डेवलप्ड दिस ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूक्लियर बैटरी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है फॉर 50 ईयर्स विदाउट नीडिंग टू बी चार्ज या फिर मेंटेन्ड एंड डिस्पाइट बींग न्यूक्लियर। ये बहुत, इसका साइज बहुत, यू सी इट इज स्मॉल, स्मॉलर देन अ कॉइन। तो कंपनी हैज मैनेज्ड टू पैक 63 न्यूक्लियर आइसोटॉप्स इनटू दिस वेरी टाइनी मॉड्यूल। सो ये जो नेक्स्ट जनरेशन बैटरी ही बोलेंगे, इट इज करंटली अंडरगोइंग टेस्टिंग एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी मास प्रोड्यूस कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए, फोन्स के लिए, ड्रोन्स के लिए। और अगर ऐसा होता है तो आप सोचो कितने ऐसे सेक्टर्स में अगर इसको यूज किया जाए, सो इट कैन बी रेवोल्यूशन, अ गेम चेंजिंग बात हो जाएगी पूरी की पूरी। क्योंकि ये जो एटॉमिक एनर्जी बैटरीज हैं, फिर इनका पोटेंशियल होगा टू प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग पावर इन रेंज ऑफ सिचुएशंस, एरोस्पेस में, एआई इक्विपमेंट्स में, मेडिकल डिवाइसेस में, माइक्रो प्रोसेसर्स, एडवांस सेंसर्स, स्मॉल ड्रोन्स में, माइक्रो रोबोट्स के अंदर। सो अपने आप में ये जो की इन्वेंशन है इज द मिनिएचराइजेशन, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इट इज मेकिंग फिजिबल फॉर यूज इन कॉम्पैक्ट एंड डाइवर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राइट। सो ये जो न्यू, ये ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जहां पर आप यहां यूज कर रहे हो ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड आइसोटॉप्स, तो ये कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी के अंदर भी एक्सप्लोर किया गया था, बट इट इज नाउ रियलाइज्ड बाय बेटा वर्ल्ड, राइट। स्टार्टअप अभी जो है चाइना का, इट इज टेस्टिंग, और अगर इसका मास प्रोडक्शन होता है कमर्शियल एप्लीकेशंस में, सो डेफिनेटली इट विल बी अ रेवोल्यूशन। सो ये जो न्यू एनर्जी इनोवेशन है, इट विल हेल्प चाइना गेन ऑब्वियसली एक लीडिंग एज आ जाएगी इन दिस न्यू राउंड ऑफ एआई टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। बैटरी की डायमेंशंस देखिए आप, 15x15x5 मिलीमीटर्स, एंड मैंने आपको लेयर्स दिखाई थी ना, वेफर थिन लेयर्स ऑफ न्यूक्लियर आइसोटॉप्स एंड डायमंड सेमीकंडक्टर्स, हियर यू कैन सी, बहुत ही पतली, तभी ये कॉम्पैक्ट है, दो पतली डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर्स के बीच में एक निकल 63 आइसोटॉप। सो दैट इज द सिनेरियो। और ये जो न्यूक्लियर बैटरी है करंटली अभी 100 माइक्रोवॉट जनरेट करती है पावर एट 3 वोल्ट, लेकिन गोल ये है कि 100 माइक्रोवॉट ना करके बाय 2025 उसको 1 वॉट तक लाया जाए, राइट।
साथ ही साथ बेटा वर्ल्ड जो है वो ये भी कहती है कि जो रेडिएशन पोजेसेस, इसमें जो भी रेडिएशन होगी दैट इज नो डेंजर टू ह्यूमन बॉडी, और आप इसको मेडिकल डिवाइसेस में भी इट इज यूजेबल सच एज स्पेस मेकर्स के अंदर. सो दैट इज द सिनेरियो, राइट? तो 100 माइक्रोवॉट पावर इसकी अभी है एट 3 वोल्ट, बट इट इज प्रोड्यूसिंग दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन हाँ, इसका एम है कि इसको बढ़ा के 1 वॉट पावर किया जाएगा बाय 2025, राइट? तो साथ ही साथ बेटा वर्ल्ड ये भी इंश्योर कर रही है कि जो रेडिएशन एमिट होंगी बाय दिस बैटरी वो कोई ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल नहीं होंगी. तो एक ये लॉन्ग लास्टिंग, एक रिलायबल पावर सोर्स आप ऐसा वो बोलते हैं, और डेफिनेटली इट विल बी वेरी क्रूशियल इफ इट इज सो, राइट? अब ये बैटरी काम कैसे करती है? तो बेसिकली ये जो बैटरी है ना, एनर्जी हार्नेस करती है फ्रॉम द नेचुरल डिके ऑफ, मैं सिंपल बताऊं तो दैट इज अ सिनेरियो कि ये टेक्नोलॉजी दैट इज यूज इन बैटरी, इट टैप्स इन टू एनर्जी फ्रॉम डिकेइंग आइसोटॉप्स. मैं बता रही थी 20th सेंचुरी में ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आप बोल लीजिए या कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, इट वॉज फर्स्ट एक्सप्लोर्ड. हमें तो फाइनली वी नीड टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिसिटी. तो जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है ऑफ द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ दीज वेरिएशन ऑफ एटम्स, ज्यादा साइंस में नहीं जाइए, जिन्हें नहीं समझ आ रहा बस इतना समझ लीजिए कि यहां पर से जो आइसोटॉप से एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज किया जाता है इन द प्रोसेस, एंड द टेक्नोलॉजी इन द बैटरी वो कन्वर्ट करती है उस एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इट यूटिलाइजेस द पावर दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस. सो बैटरी इज डिजाइन विद द लेयर्स सेफ्टी एनहांस करने के लिए, एंड लेयर डिजाइन इसलिए भी है क्योंकि इट प्रिवेंट्स द बैटरी फ्रॉम कैचिंग एनी फायर और एक्सप्लोडिंग अगर कोई सडन फोर्स हो. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर इसके अंदर है इंश्योर करने के लिए कि बैटरी वेरियस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे. और यहां जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो आप ये टेम्परेचर टॉलरेंस उसका देखिए. बेवॉल्ट क्लेम करता है कि ये बैटरी ऑपरेट कर सकती है इफेक्टिवली इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, मतलब -60 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक, तो एक्सट्रीमली कोल्ड से वेरी हॉट कंडीशन भी. तो ये जो ब्रॉड टेम्परेचर टॉलरेंस है इसको और ज्यादा वर्सेटाइल बनाता है और सुटेबल बनाता है फॉर यूज इन डाइवर्स एनवायरमेंट, राइट? तो अगर मैं यहां पर आपको बात करूं तो सिंपल सिनारियो यही है कि बेटावॉल्ट न्यूक्लियर बैटरी इज नॉट लार्ज. कंपनी हैज सक्सेसफुली मिनिएचराइज द एटॉमिक एनर्जी बाय सिक्वीजिंग 63 आइसोटॉप्स इनटू अ मॉड्यूल जो कि छोटा है देन अ कॉइन इन इटसेल्फ. ये बैटरी अभी टेस्टिंग में है फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, फोन्स, ड्रोन्स, एरोस्पेस में इसके एप्लीकेशंस, आप इसका इसको इसके नम वाइड एप्लीकेशन है, फिर मेडिकल डिवाइसेस में, माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर. साइज मैंने आपको बताया, एंड इट इज मेड अप ऑफ दोज थिन लेयर्स ऑफ न्यूक्लियर आइसोटॉप्स एंड डायमंड जो भी सेमीकंडक्टर्स है. करंटली बैटरी 100 माइक्रोवॉट ऑफ पावर जो है जनरेट कर रही है एट 3 वॉट, लेकिन एम है 1 वॉट तक लेके जाना बाय 2025. सेफ्टी का पर्सपेक्टिव बता दिया, हाउ इट वर्क्स वो भी बता दिया, कहाँ से जो एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जनरेट किया जाता है. और आफ्टर द डीके पीरियड द 63 आइसोटॉप्स टर्न इनटू अ स्टेबल आइसोटॉप ऑफ कॉपर जो कि एक नॉन रेडियो एक्टिव और एनवायरमेंट फ्रेंडली है. तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी देखें तो देर इज नो थ्रेट या फिर कोई पॉल्यूशन हो एनवायरमेंट को, वो भी नहीं है. मेडिकल डिवाइस क्योंकि सेफ्टी है दैट इज वाई बेटावॉल्ट स्टेट करता है कि रेडिएशन इससे जो इमिट हो रही है दैट इज नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी, तो आप इसको मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं. ये जो पूरी डेवलपमेंट है ये चाइना का जो एफर्ट है अंडर दिस 14th 5-year plan जो उनका है उसके साथ अलाइन हो रहा है विद द एफर्ट्स टू मिनिएचराइज न्यूक्लियर बैटरीज अंडर देयर 14th 5-year plan. सो बेटावॉल्ट प्लान्स टू स्टार्ट द मास प्रोडक्शन एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए और सारे नेसेसरी क्लियरेंसेज जो है वो ऑब्टेन कर लिए जाए. सो ये टेक्नोलॉजी देखी जा रही है एक एनवायरमेंट फ्रेंडली और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन की तरह जिसके वेरियस इंडस्ट्रीज में नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. उम्मीद करती हूँ आपको आर्टिकल क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर. हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर.